नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको भिंडी के पानी के ऐसे उपयोग के बारे में बताएंगे जो आपको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, कब्ज और हृदय रोग से छुटकारा दिलाते हैं। भिंडी, जिसे ओकरा भी कहा जाता है, कोई मौसमी पौधा नहीं है। यह हर मौसम में पाया जाता है और खाया जाता है। यह खाने में कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सब्जी, अचार या सूप में। यह खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है, चाहे वो गर्मियों का सीजन हो या सर्दियों का। भिंडी एक कुसुमित पौधा है जो दुनिया के कई हिस्सों में लेडीज फिंगर या ओकरा के रूप में जाना जाता है। अलग अलग देशों में इसका नाम बेशक अलग अलग हो, लेकिन काम एक जैसा ही है और अपनी फली के कारण बहुत महंगी है। इसे अक्सर कैरेबियन से लेकर चीन तक के व्यंजनों में उपयोग किया जाता है और इसकी लोकप्रियता हर समय बढ़ती जा रही है, खासकर जब से इस सब्जी का इस्तेमाल अचार के रूप में, साइड डिश या सूप की एक सामग्री के तौर पर किया जा सकता है। इसे इसके तेल के लिए भी उपयोग में किया जाता है, जिसे निकाला जा सकता है तथा भिंडी के तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे भिंडी का पानी कैसे तैयार किया जाए। इसके लिए आपने 4 भिंडी लेनी है और 1 कप पानी। पहले भिंडी का ऊपरी और निचला हिस्सा काट दीजिए और भिंडी को बीच में से काट दीजिए और फिर भिंडी को 1 कप पानी में डाल देना है और पूरी रात उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और दूसरे दिन इस मिश्रण को निचोड़कर एक गिलास में निकाल लीजिए और उसे निचोड़कर थोड़ा सा पानी और डाल देना साफ। रोजाना सुबह खाली पेट खाने से आधा घंटा पहले इस मिश्रण के सेवन से आपको कुछ ही दिनों में हैरान कर देने वाले नतीजे प्राप्त होंगे। रोजाना सुबह खाली पेट यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले इस मिश्रण का आपने सेवन करना है। ये विटामिन के का खजाना होता पानी। इसके इस्तेमाल से आप डायबिटीज से कंट्रोल हो जाएगा, कब्ज से छुटकारा मिलेगा, हृदय रोग से छुटकारा मिलेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे भिंडी के पानी के फायदे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।